चलिए पूछिए सुशांत आप घर पे ठीक है। लेकिन आपका अपील के लिए सिलेक्शन हुआ सुशांत, और आप ये कह सके झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है, कितने तैयार हैं? काफ़ी मतलब अच्छी तैयारी होगी। अभी अभी तो हमारा रणजी ट्रॉफी के लिए ज़्यादा फोकस है, फिर रणजी ट्रॉफी जब खत्म होगी तब उसके बाद आईपीएल के लिए फोकस करेंगे। लेकिन सुशांत की बल्लेबाजी स्पिन तेज क्या देखने को लोगों को मिलेगी? मैं तो जनरली फास्ट बॉलर हूँ और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता हूँ, तो जनरली आप एक्सपेक्ट करिए कि फास्ट बॉलिंग ही देखने को मिले। टीम के कप्तान आपसे चाहेंगे कि आपका जो है, चूँकि आईपीएल का फॉर्मेट फास्ट है, तो फास्ट बॉलिंग में क्या इन स्विंग आउट क्या आपकी विशेषता रहेगी? सर ऐसे तो लेफ्ट आर्म के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि अगर राइट हैंड बैट्समैन के लिए उसका इन स्विंग हो, तो अगर मतलब वही चलते रहा तो वही अच्छी बात होगी सर। तो एक से एक बड़े बॉलर होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे, तो सुशांत क्या वेरिएशन लेकर नए बॉल पर क्या काम है? सर वहाँ पे इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, नेहरा सर हैं, शामी भाई हैं, उमेश भाई होंगे, तो उनसे बस वही मतलब है कि जितना हो पाए सीखूंगा और उसके बाद फिर वो अच्छा करने की कोशिश करूंगा। कुल 24 गेंद आपके पास होंगे सुशांत एक मैच में, तो सुशांत के पास वेरिएशन क्या क्या होगा? ये अभी तो मतलब सर उतना सोचा नहीं, वो जो अकॉर्डिंग टू गेम प्लान ही जो होगा वही देखा जाएगा उस टाइम पर। ठीक है ना सुशांत, यहाँ तक पहुँचे ये संघर्ष का रास्ता कैसा है? सर सबका ही मतलब टफ फेज होता है लाइफ में, जैसे मेरा भी बहुत सारा इंजरीज हो गया है और बहुत बार पिक नहीं हुए थे ऑक्शन, तो वो सब भी सब चलते रहता है, लेकिन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ गेम होता है, तो जब होता है तो उसको एंजॉय भी करना चाहिए, फिर फोकस करना चाहिए कि अच्छा वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। सुशांत फैमिली बैकग्राउंड क्या है सुशांत? सर मेरे फादर प्राइवेट जॉब में है, मदर हाउसवाइफ है, और हम क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि सुशांत को संघर्ष करना पड़ा क्रिकेट यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी सबको ही करना पड़ता सर इस टाइम में पहुँचने के लिए, मतलब क्रिकेट में कोई पेडिग्री नहीं मिलती किसी को, आपको ग्राइंड करना ही पड़ता है मुझे ऐसा लगता है। घर परिवार और समाज कितना कितना सपोर्ट मिला, क्या खेल के लिए रोका गया कभी, क्या ऐसा लगा कि खेल चुन करके? नहीं सर, घर वालों ने कुछ ऐसा सोचा नहीं, ऐसा तो मतलब कभी नहीं था, हमेशा से पापा की तरफ से सपोर्ट रहा है, तो फिर काफ़ी अच्छी हो। कई बार चोटिल हुए, कई बार ऐसा लगा कि अब खेल पाएंगे नहीं पाएंगे, फिर भी सुशांत संघर्ष करके हैं हमेशा? हाँ जी, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वही जैसा मैंने कहा कि इंजरीज वगैरह तो होते रहती हैं, बट वही पार्ट ऑफ लाइफ है कि वहाँ आप निकलते कैसे वहाँ उस फेज से और उसके बाद आगे चल के क्या करते हो। एशिया कप, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप, और अब IPL, एक बड़ा टूर्नामेंट सारे लोगों के साथ में, कैसा लग रहा है? सुशांत कितना तैयार है इसके लिए? और हालांकि मतलब ये मेरा फर्स्ट IPL नहीं रहेगा, अगर मतलब मैं सनराइज़ हैदराबाद के साथ था तो मतलब उस जगह का एक्सपीरियंस है मुझे, बट अगर अभी मैचेस खेलने को मिलता है तो फिर वो नया एक्सपीरियंस रहेगा, वो काफ़ी अच्छा होपफुली जाए। सुशांत ने इसके लिए तैयारी क्या कर रखी है? सर अभी तो मतलब T20 हमारा चला गया है, व्हाइट बॉल टूर्नामेंट खत्म हो गया, हम लोग तो अभी रेड बॉल पे फोकस कर रहे हैं, जब हमारा वो रेड बॉल अभी रणजी ट्रॉफी खत्म होगी उसके बाद ही IPL के लिए जो भी तैयारी होगी वो होगी। अभी तो बस कोशिश किया जा रहा है कि फिट रहे। इसके लिए श्रेय किसको दीजिएगा इस पूरे सफर का, अगर सबसे मजबूत? सर श्रेय मम्मी पापा को भी जाता है, मेरे फिजियो ट्रेनर को भी जाता है, मेरे एसोसिएशन को भी जाता है, जैसे जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बैक किया, मेरे सीनियर प्लेयर्स सौरभ भैया, वरुण भैया, विराट भैया, नदीम भैया, सबको ही जाता है सर, कि मतलब सब ने इतना सपोर्ट किया। हम लोग के सेक्रेटरी सर देवाशीष सर, वो मतलब पूरा एकदम सपोर्ट में रहते थे, जब भी कुछ भी इंजरी हो रहा है कहीं भी जाना है तो एकदम देवाशीषी सर रहते हैं, जो मतलब हाँ तुरंत जाओ NCA जाओ ऐसे करते हैं। आप धोनी के शहर से आते हैं, धोनी की तरह रांची में पैदा हुए, पले बड़े, बड़ा बड़ा नाम है धोनी, और अब आपका नाम यहाँ पे रांची में। सर उस नाम के सामने तो अभी हमारा नाम कुछ भी नहीं है सर, फिर भी ये नाम कितना मदद पहुँचाया और कितना इसको लेकर के स्ट्रगल करना पड़ा, चूँकि बड़ा नाम होता है तो बड़े बरगद के पीछे छोटा वृक्ष जो है जल्दी। सर वो तो मतलब वो पूरी दुनिया में ही बड़े से बरगद हैं, तो उनके सामने तो हम लोग वृक्ष भी नहीं कहला सकते, मतलब तो पौधे भी नहीं होंगे, घास होंगे, तो उनके सामने तो हम लोग कुछ नहीं है सर, बट ठीक है सर कोशिश होगी। और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? आने वाले खिलाड़ियों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपके दूसरे साथी हैं, या सब वही है कि मतलब लगे रहना है और कभी मतलब सेल्फ बिलीफ नहीं खोना है, बस वही है।